भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके वीडियो डिस्कशन अपनी करेंगे इस चैनल पे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपने इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं कोरोना वायरस पे। कोविड 19 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं वो अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दूसरा वीडियो जो अपना होगा वो जितने भी ऐप इस पे लॉन्च हुए उस पे अपने डिस्कस करेंगे, जितने भी ऐप किन किन ने लॉन्च किए, किस तरह से लॉन्च हुए, तो उन पे अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अपने सिर्फ और सिर्फ इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कोरोना वायरस टेस्ट का नाम क्या है, ये कौन से शरीर के अंग को इफेक्टिव करता है, तो वो सारी चीज़ें अपने इस पे देखेंगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अपना पहला क्वेश्चन देखिए, चाइना के वुहान से फैले वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है, यानी चाइना के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को WHO ने क्या नाम दिया है। तो WHO ने इसको नाम दिया है कोविड 19। तो अब यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो सेम ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, कोरोना 19, कोरोना वायरस, चाइना वायरस, कोरोना कवच। तो आपको इनमें से कन्फ्यूज नहीं होना है, और कोविड 19 जो है वो इसका जो है वो बीमारी का नाम दिया गया है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा इसको नाम दिया गया है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये चाइना के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोविड 19 को किसने महामारी घोषित किया है, यानी किसने इसको वर्ल्ड लेवल पे जो महामारी घोषित किया है कोविड 19 कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को, तो वो किया है WHO ने। WHO ने इसको किया है। तो ये WHO है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी WHO का फुल रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हाल फिलहाल इसकी अगर बात की जाए हेड की, तो इसका हेड जो है वो टेड्रोस एडनहॉम इसके जो है वो अभी हेड है। और इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 1948, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड 19 को महामारी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड 19 के कारण भारत में सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला राज्य, तो भारत में कोविड 19 के कारण लॉकडाउन करने वाला सबसे पहले जो लॉकडाउन किया था वो किया था राजस्थान ने। राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन किया था। तो राजस्थान की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी जयपुर है। CM की अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत, इसके CM अशोक गहलोत है। अगर यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो वो है कलराज मिश्र जो है यहाँ के गवर्नर है। अशोक गहलोत CM है, राजधानी जयपुर है। अगर यहाँ के हाईकोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट यहाँ की जोधपुर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित भी आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोविड 19 के कारण भारत में सबसे पहले संपूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला, देखिए संपूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला जो भारत का राज्य है वो कौन सा है? वो है पंजाब संपूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला है, और संपूर्ण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। और पंजाब की अगर बात की जाए तो राजधानी पंजाब की चंडीगढ़ है, और इसके अगर CM की बात की जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, पंजाब के CM है। और यहाँ के गवर्नर की अगर बात की जाए तो यहाँ के गवर्नर है बीपी सिंह है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह है। अगर कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल पंजाब की चंडीगढ़ है। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस मानव के शरीर जो है उसके किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये मानव शरीर के जो है वो फेफड़े हैं, इनको प्रभावित करता है। मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को ये प्रभावित करता है, और सांस लेने की दिक्कत जो है वो इस बीमारी के दौरान होती है। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस कोविड 19 टेस्ट का क्या नाम है, यानी इस टेस्ट को क्या नाम दिया गया जो कोरोना वायरस कोविड 19 के लिए टेस्ट होता है? तो इस टेस्ट को जो नाम दिया गया वो दिया गया RT-PCR इस टेस्ट को नाम दिया गया है। यानी RT-PCR का मतलब क्या है? रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरिज्म चैन रिएक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है, और RT-PCR जो है इस टेस्ट को नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, यानी भारत के अंदर जो जनता कर्फ्यू का आह्वान पीएम मोदी ने किया था
तो वो किस दिन लगाया गया था? तो जनता कर्फ्यू जो है वो भारत में भारत की जनता के द्वारा 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया था, तो 22 मार्च को। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि संपूर्ण देश को पीएम मोदी के द्वारा लॉकडाउन कब किया गया था? तो लॉकडाउन जो संपूर्ण देश को किया गया था वो 25 मार्च से किया गया था। 25 मार्च से संपूर्ण देश को लॉकडाउन किया गया था। और कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना वायरस भारत में महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य, यानी कोरोना वायरस को महामारी के रूप में भारत के अंदर घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था हरियाणा। पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा। यानी ये जो फर्स्ट राज्य है जो भी कर्फ्यू लगा रहा है, जो भी इसको महामारी घोषित कर रहा है, तो इनके बारे में क्वेश्चन आपको याद रखने, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम के हिसाब से। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे कि पहला राज्य कौन सा है ये करने वाला। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। और हरियाणा की अगर बात की जाए स्टेट की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात की जाए तो वह सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के गवर्नर है। अगर यहाँ पे बात की जाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, तो वो दुष्यंत चौटाला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला। और अगर यहाँ पे बात की जाए चीफ मिनिस्टर की, तो मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस का संबंध किस वायरस परिवार से? अब देखिए वायरस परिवार का मतलब है कि कौन सा वायरस इससे रिलेटेड पहले से था। तो यहाँ पे सार्स और एमईआरएस जिसको आप मर्स भी बोलते हो, और एन सीओबी यानी कोविड-19, एन कोविड-19 जो है, ये तीनों ही कोरोना वायरस से संबंधित है। तो इसमें आंसर होगा आपका आलिस, यानी सार्स, मर्स और एन कोविंद, जो तीनों के तीनों वायरस है वो इससे संबंधित है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है? यानी गूगल ने जो है वो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है? तो इस वेबसाइट का नाम है google.com/covid-19, google.com/covid-19, ये जो है वो वेबसाइट है। इसके अलावा आप देख सकते हो ऑप्शन के अंदर आपको ऐसी वेबसाइट्स मिलेगी, google.com कोरोना, google.com कोरोना वायरस, नन ऑफ दीज। तो ये आपका जो पहला आंसर है google.com/covid-19, ये सही आंसर है। अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, अमेरिका यानी यूएसए के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। अगर सीईओ की बात की जाए गूगल के, गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचई, जो भारत से है सुंदर पिचई, वो गूगल के सीईओ है। अगर गूगल की बात करें कि ये फाउंडेड कब हुआ था, तो ये सितंबर 4, 1998 को गूगल जो है वो फाउंडेड हुआ था। तो ये गूगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 से 12, जो कि कोरोना वायरस से संबंधित हर एग्जाम का पार्ट बनेंगे। इसके अलावा जितनी भी ऐप लॉन्च हुई है, जितने भी बाकी क्वेश्चन बनते हैं, दूसरे पार्ट में अपने जरूर डिस्कस करेंगे। तो दूसरा पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।